मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सभी नेताओं के द्वारा रणनीति तैयार की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी से अपने प्रत्याशियों के चयन की अंतिम सहमति दी गई। गांडे विधानसभा उपचुनाव में ईडी गठबंधन की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। इसकी पुष्टि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने की। उन्होंने कहा कि यह सीट गठबंधन की पार्टी के खाते में है और यहां हो रहे उपचुनाव में कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। तो आइए सुनते हैं इस पर नेताओं ने आगे और क्या कहा। ऐसे ही बैठक बुलाया गया है, अब देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेकिन पता नहीं, लेकिन गठबंधन बहुत अच्छे से लड़ेगी और इस बार हम जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। जिस तरह से भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है दूसरी पार्टियों को तोड़ने में, और ये तो पूरे देश में ये दृष्टांत है। ऐसे ही भाजपा क्या षड्यंत्र कर रही है ये तो वही लोग जानेंगे, भाजपा के लोग जानेंगे। तो चुनाव होता ही है और उसमें जनता पर निर्भर। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर तैयारी केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। हमारे यहाँ पर जो है जिस रूप से 1932 का खतियान स्थानीय नीति को जिस तरह से यहाँ से वापस किया, यही सब मुद्दा है। जा ही रहे हैं, कौन मुद्दा पर रखा है, फिर अगर ऐसा है तो इसमें तो बात होगा। बैठक का एजेंडा मालूम नहीं है अभी, बस हम लोग को लगता है चुनाव का कोई कार्यक्रम बनाएंगे, यही लग रहा है। वैसे एजेंडा हम लोग को दिया नहीं गया, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसको उसको दिया गया है।